गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पीएक्स पास्ट यूनिट पास्ट का जो सेकंड पार्ट चल रहा है उसमें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना डिस्कस कर रहे थे। कल हमने किया था विस्कोसिटी, आज उसका अगला पोर्शन दैट इज थर्मल कंडक्शन, उस्मीय चालन। क्या होता है ये उस्मीय चालन? जब किसी निकाय के भिन्न भिन्न ताप हो, मीन्स एक ही सिस्टम में अलग अलग टेम्परेचर हो, तो तापीय प्रवणता के इस असाम्य अवस्था में, नॉन इक्विलिब्रियम में, अणु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उसमें ऊर्जा का अभिगमन करते हैं, जिससे साम्यवस्था की स्थिति प्राप्त हो सके। इस अवस्था में अणु ऊर्जा के वाहक होते हैं। जैसे हम ये समझते हैं कि कोई रोड ले रखी है मेटल की, उसके हम एक एंड को गर्म करते हैं, तो क्या होता है उससे? क्योंकि उस एंड पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दूसरे एंड पे टेम्परेचर कम होता है, तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से कम टेम्परेचर तक तापीय प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है। इसके कारण क्या हो गया कि यह नॉन इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, असाम्य अवस्था हो गई। तो उससे क्या होगा कि जो अणु है हाई टेम्परेचर वाले रेंज से वो लो टेम्परेचर वाले रेंज की ओर मूव करते हैं। इसके दौरान जो अपने साथ जो ऊर्जा ले जाते हैं वो उसमें ऊर्जा होती है। ये कब तक चलता रहता है? तब तक उसमें साम्यवस्था प्राप्त ना हो जाए, मीन्स दोनों एंड्स का टेम्परेचर समान ना हो जाए। तो इस प्रकार जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसको हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं, उष्मीय चालन कहते हैं। इसका एनालिसिस कैसे करें आइए देखते हैं। कि हमने एक पात्र माना, एक कंटेनर माना, एक सिस्टम माना जिसमें गैस भरी हुई है। इस गैस को हमने रखा है एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में। ए बी जो परत है, नीचे वाली परत, उसका टेम्परेचर टी वन है, और ऊपर वाली जो परत है सी डी, उसका टेम्परेचर टी टू है। हमने ये माना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, कि ऊपर का जो परत है वो ज़्यादा गर्म है नीचे वाले की तुलना में। अब आगे देखते हैं कि हमने ये अलग अलग जो परतें हैं उसके बीच में कोई एक परत मान लेते हैं, हमने Q परत मान ली जो AB परत से जेड डिस्टेंस पर है, और वहाँ पर जो मोमेंट है उन अणुओं का अलोंग द एक्स एक्सिस, उनका जो वेग आता है दैट इज़ द Vx, और इस पर टेम्परेचर जो आता है वो टी है, मीन्स जेड इक्वल टू जेड पर टेम्परेचर टी है। इससे लैम्डा डिस्टेंस ऊपर की तरफ, जिसे हमने पहले भी माना है, लैम्डा को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, जो परत पी है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जेड प्लस लैम्डा होगी, और इसका जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा टी प्लस लैम्डा डी टी बाई डी जेड। यहाँ पर डी टी बाई डी जेड ताप प्रवणता है, टेम्परेचर ग्रेडेंट है। इसी प्रकार यदि हम एक परत नीचे मानते हैं दैट इज द आर, जो जेड से लैम्डा डिस्टेंस नीचे है, तो इसकी जो कंडीशन होगी, इसकी जो पोजीशन आएगी वो जेड माइनस लैम्डा होगी, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्यू की तुलना में कम होता है। कितना होता है आइए देखते हैं। टी माइनस लैम्डा डी टी बाई डी जेड की एकांक दूरी में जो परिवर्तन है ताप का वो डी टी बाई डी जेड है, तो लैम्डा दूरी में जो परिवर्तन आएगा कितना आता है, लैम्डा टी डी टी बाई द डी जेड। सो द नेट टेम्परेचर फॉर द आर इक्वल टू टी माइनस लैम्डा डी टी बाई डी जेड। अब हम इस फिगर के देख लेते हैं कि जो बीच वाली, जिसको हमने रेड लाइन से इंडिकेट किया, रेड कलर से इंडिकेट किया है, उसमें ऊपर से भी अणु आते हैं, नीचे से भी अणु आते हैं। तो जैसे हमने पहले भी किया था कि इन अणुओं की संख्या, जो टोटल अणु होते हैं उनमें से कहते हैं कि 1/6 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं, क्योंकि तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, प्लस एक्स प्लस एक्स वाई जेड, परंतु उसमें दो दो हो सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। सो जो नेट मॉलिक्यूल्स है उनका 1/6 पोर्शन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाता है। जैसे हमने आगे समझाया है, ये एक ताप उत्तरोत्तर क्रम से इसी बीच तो बढ़ता जाता है, और ताप प्रवणता ही है,
ये हमने डिफरेंट परत के लिए इस तरह से अरेंज कर दिया एक टेबुलर फॉर्म में। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या में माना कि गैस में एन अणु प्रति इकाई का आयतन है। चूँकि अणु सभी दिशाओं में अतिवान होते हैं अतः एक्स क्यूब एन बाई थ्री इनमें से प्लस एक्स की दिशा में एन बाई सिक्स हो जाते हैं और माइनस एक्स की दिशा में एन बाई सिक्स। अगेन इसी तरह से वाई और जेड में भी हम वन बाई सिक्स प्लस एक्स दिशा में मान सकते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या एन बाई सिक्स होती है और इनका द्रव्यमान क्या होगा एम एन बाई द सिक्स वेयर एम इज द मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल। प्रति अणु का द्रव्यमान जो है वो एम है तो एन बाई सिक्स अणु का द्रव्यमान हो जाएगा एम एन बाई सिक्स। अब देखें कि ये ऊर्जा कितनी होती है इस अणु के लिए ऊर्जा कितनी आएगी। तो माना कि अणु की औसत चाल सी बार है तो किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति एकांक सेकेंड किसी निश्चित दिशा में पार करने वाले अणुओं की संख्या मीन्स हम जैसे प्लस एक्स दिशा मान के चल रहे हैं तो उसमें एकांक दिशा में एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में दिशा नहीं एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में कितने अणु मूव करेंगे वन बाय सिक्स एन सी बार। ऐसा क्यों होता है एन बाय सिक्स तो हमने क्या था कि उस तरफ मूव करते हैं। अब एरिया यदि मान लो कि एन बाय सिक्स प्रति उस दिशा में चलने वाले अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन है और उसका आयतन कितना होगा क्षेत्रफल तो हमने वन मान लिया और लंबाई हो जाएगी इसकी सी बार के बराबर पर सेकेंड में। सो द पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड जो मोमेंट आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन उनकी वैल्यू आएगी वन बाय सिक्स एन सी बार। नेक्स्ट ऊर्जा के विभाजन सिद्धांत से प्रत्येक कोटि से संबंधित जो ऊर्जा होती है वन बाई टू के टी होती है जिसे पहले भी पढ़ के आए हैं के इज हेयर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। यदि एक अणु की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्वतंत्रता की कोटि है तो अणु की माध्य ऊर्जा हो जाएगी वन बाई टू एफ के टी क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से वन बाई टू के टी होती है तो एफ से वन बाई टू एफ के टी हो जाएगी। अतः परत पी से क्यू के एकांक क्षेत्रफल को प्रति एकांक सेकेंड में नीचे की ओर पार करने वाले अणु द्वारा अभिगमित ऊर्जा ऊपर से नीचे जो अणु आते हैं वो कितनी ऊर्जा ले जाते हैं क्यू की तरफ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई सिक्स एन सी बार। यह अणुओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय। एक अणु कितनी ऊर्जा ले जाता है वन बाई टू एफ के इसका ऊपर वाले का टेम्परेचर कितना था टी प्लस लेमडा डी टी बाई डी जेड। सो जो ऊपर से नीचे प्रिंट एरिया प्रिंट एंड टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी वैल्यू वन बाई सिक्स एन सी बार वन बाई टू एफ के टी प्लस लेमडा डी टी बाई डी जेड। इसी तरह से नीचे से ऊपर क्यों क्योंकि ये सब रैंडम मोशन गति करते हैं रैंडमली यादृच्छिक गति करते हैं तो आर सी क्यू की तरफ भी आएगी। इसी प्रकार आर सी क्यू की ओर प्रत्येकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या द्वारा अभिगमित ऊर्जा जो होगी एनर्जी ट्रांसफर्ड यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है इसका बाकी वही सेम चीज़। सो दैट इज इक्वल टू वन बाई सिक्स एन सी बार वन बाई टू एफ के मल्टीप्लाइड बाई द टी माइनस लेमडा डी टी बाई डी जेड। इस परत आर का टेम्परेचर था टी माइनस लेमडा डी टी जेड बाई डी टी बाई डी जेड। अतः क्यू प्लेट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में ऊपर की ओर नेट परिणामी अभिगमन ऊर्जा जो आएगी वो आती है जे ऊर्जा जे को हम फ्लक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे मीन्स प्लस जे डायरेक्शंस में कितना आता है तो वन बाई टू एन सी बार वन बाई टू एफ के टी माइनस लेमडा डी टी बाई डी जेड माइनस वन बाई सिक्स एन सी बार क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है वन बाई टू एफ के टी प्लस लेमडा डी टी बाई डी जेड। रीअरेंज करें तो ये मिलता है वन माइनस वन बाई सिक्स एन सी बार एफ के लेमडा डी टी बाई डी जेड। नियत आयतन पर मोलर विशेष ऊष्मा जिसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया क्लासिकल मैकेनिक्स में सी वी इक्वल टू वन बाई टू एफ इंटू आर होता है। इसको हम कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल सी वी लिख सकते हैं। सी वी जो स्मॉल वाला है वो प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है या कैपिटल सी वी बाय से एम से बाद डिवाइड कर दें एम यहाँ पे अणु बार है तो हमने एन को ही दिए हुए नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दोनों इक्वेशन से मिलती है
आपको आती है ट्वाइस एम कैपिटल स्मॉल सी वी बाय द आर एंड दिस इज इक्वल टू द ट्वाइस एम एन सी वी बाय द आर। कैपिटल एम अणु भार है, उसमें एन अणु होते हैं और एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो दैट इज ट्वाइस एम एन सी वी बाय द आर। सो ऊर्जा फ्लक्स घनत्व, ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति एकांक समय। सो दोनों को रीअरेंज करें तो जी ऊर्जा इक्वल टू आता है वन माइनस वन बाई सिक्स एन सी बार, हमने एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है ट्वाइस एम कैपिटल सी वी बाय द के लेमडा डी टी बाय द डी जेड। रो यदि एम एन के बराबर लिखते हैं, गैस का घनत्व लिखते हैं, तो हमें जो मिलता है जे ऊर्जा इक्वल टू वन माइनस माइनस वन बाई थ्री रो सी बार सी वी लेमडा डी टी बाई डी जेड, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ गैसेस। सो उसमें चालकता जो आती है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी फ्लक्स। ऊष्मा चालकता की परिभाषा के अनुसार ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो गैस के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति एकांक समय में प्रति एकांक ताप प्रवणता के लिए प्रवाहित होती है। मीन्स के का जो मान है वो जे बाई डेल टी बाई डी जेड होता है। के यहाँ पे उसमें चालकता होती है, इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रवणता यही रहती है डी टी बाई डी जेड। सो इन दोनों की तुलना करें हम इक्वेशन सिक्स और सेवन से, जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू माइनस के डेल टी बाई डेल जेड इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री रो सी सी वी लेमडा डी टी बाई डी जेड, दोनों तरफ डी टी कैंसिल हो जाता है। सो द के कैपिटल के दैट इज द थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता दैट इज वन बाई थ्री रो सी बार सी वी लेमडा। यहाँ पे सी बार औसत चाल है, इसकी वैल्यू अपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज रूट ऑफ द एट के टी बाई द पाई एम। और माध्यमक पथ जिसको भी हम पहले एनालिसिस कर चुके हैं, लेमडा इक्वल टू वन डिवाइड बाई रूट टू पाई डी स्क्वायर टू द एन, डी इज द डायमीटर, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। सो द कैपिटल के दैट इज थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज वन बाई थ्री रो एट के टी बाई द पाई एम पावर हाफ सी वी मल्टीप्लाइड बाय द लेमडा की मान वन डिवाइड बाई रूट टू पाई डी स्क्वायर एन, एंड दैट इज कैलकुलेट करके देखें इसको, तो ये जो मिलता है हमें वो आता है रो को हम एम एन के फॉर्म में लिख दें तो कैपिटल के इक्वल मिलता है टू बाई थ्री पाई डी स्क्वायर कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय दी एम आर टी बाई पाई पावर हाफ सी वी बाई द एम, एंड दैट इज एम को बाहर अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल एम दो बार आता है, तो इसको इस तरह से रीअरेंज करके जो फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें कैपिटल के इक्वल टू टू बाई थ्री पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द कैपिटल एन होल मल्टीप्लाइड बाई दी आर टी बाई द पाई एम पावर हाफ सी वी। यदि बाकी सब कॉन्स्टेंट माने पेट्रोलियम गैस के लिए तो कैपिटल के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट टी एंड कैपिटल के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट ऑन द एम। यदि किसी गैस की चालकता कैपिटल के गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा गैस के अणु भार के वर्गमूल के युग्मानुपाती होती है, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें चालकता अधिक होगी और यदि ज़्यादा भारी है तो उसके उसमें चालकता कम होगी। भारी मोलिकुल्स कम एंड धीरे मोमेंट होगा इनका, थर्मल कंडक्टिविटी कम आएगी और क्योंकि टेम्परेचर यदि ज़्यादा होता है तो तेज़ी से दौड़ेंगे, स्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मास।